दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर स्टार पद्मावती का ट्रेलर हर किसी के होश उड़ा चुका है। बॉलीवुड ने फिल्म की जमकर तारीफ फेंक कर दी है। हर किसी को फिल्म का इंतजार है। अब रणबीर कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो दीपिका पादुकोण का परफॉर्मेंस पद्मावती में देखने के लिए काफी उत्साहित हैं। इससे पहले भी रणवीर सिंह को रणबीर कपूर अपना फेवरेट एक्टर बता चुके हैं। गौरतलब है कि रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की ये जवानी है दीवानी के मिस्ट्री देखने के बाद दर्शक उनकी जोड़ी पर्दे पर देखने के लिए काफी उत्साहित हैं। हालांकि तमाशा के बाद ये जोड़ी साथ नहीं आई है और फिलहाल इनके साथ आने के कोई आसार भी नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में रणवीर दीपिका रणबीर का ये इक्वेशन देखकर फैंस को काफी अच्छा लगेगा। पद्मावती के बाद पद्मावती में रणवीर और दीपिका एक दूसरे के दुश्मन बने हैं। हालांकि इनकी जोड़ी लोगों को शानदार लगती है, लेकिन फिर भी रणबीर और दीपिका को साथ देखना लोगों को हमेशा ज्यादा पसंद है। क्यों? उसके कारण हम आपको दे सकते हैं। चुपके से आराम से रिप्लेस ऐसा नहीं था कि रणबीर और दीपिका ने रातों रात शाहरुख का झोल को रिप्लेस कर दिया। ये काम धीरे धीरे हुआ और इसी कारण धीरे धीरे लोगों ने भी मान लिया कि नए शाहरुख का झोल वही है। दोनों की केमिस्ट्री धमाकेदार थी, जो ये जवानी है दीवानी के हर एक सीन में दिखाई देती है। दोनों का रोमांस बेजोड़ है। उनका रोमांस इतना रियल लगता है कि जैसे शायद कल हो ना हो, इसलिए जो करना है आज ही कर डालो। ऑफ स्क्रीन के मिस्ट्री रणबीर दीपिका की केमिस्ट्री का बेस्ट पार्ट है एक दूसरे के साथ ऑफ स्क्रीन भी बिंदास रहना, बिल्कुल शाहरुख का झोल की तरह। ये कहां आ गए हम? देखा जाए तो ये दोनों जोड़ियां एक साथ बड़ी हुई हैं और पहली फिल्म से आखिरी तक बस बेहतर होती गई, चाहे बाजीगर से दिलवाले तक हो या फिर बचना ए हसीनों से तमाशा तक। फैन फॉलोइंग इन दोनों ही जोड़ियों की फैन फॉलोइंग जबरदस्त है। शाहरुख काजोल को साथ देखने के लिए जहां फैंस परेशान रहते हैं, वहीं रणबीर दीपिका की भी एक झलक ही काफी है। जबरा फैन, क्योंकि रणबीर और दीपिका शाहरुख काजोल के जबरा फैन हैं। उन्हें उनकी केमिस्ट्री पलंग तोड़ लगती है।